कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वोटर को अपने अपने पक्ष में लुभाने के लिए नेता से लेकर उम्मीदवार तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। इस बीच पुलिस ने बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट में फर्जी वोटर कार्ड बनाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां से कंप्यूटर, प्रिंटर और हजारों की संख्या में वोटर कार्ड बरामद किए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह अपार्टमेंट एक कांग्रेस नेता का है और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए बेईमानी पर उतर आई है। जानकारी के मुताबिक ये वोटर कार्ड बेंगलुरु के जलाहली इलाके के एक अपार्टमेंट से बरामद किए गए हैं। इन वोटर कार्ड की संख्या कई हजार बताई जा रही है। बीजेपी नेता सदानंद गौड़ा ने आरोप लगाया है कि इस फर्जीवाड़े के पीछे राजराजेश्वरी नगर से कांग्रेस उम्मीदवार मुनित्रा नायडू का हाथ है। पुलिस ने अपार्टमेंट से कंप्यूटर, प्रिंटर और छपाई की अन्य सामग्री भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने इस सभी वोटर कार्ड को अपने कब्जे में लेकर मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। मौके पर चुनाव आयोग के अधिकारी भी पहुंच गए हैं और वे भी अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। मुनित्रा यहां से वर्तमान विधायक भी हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने वोटर कार्ड समेत सारा सामान अपने कब्जे में ले लिया है। आयोग ने कहा है कि यह वाकई एक गंभीर मामला है और इस पर कोई भी फैसला यहां बैठकर नहीं लिया जा सकता। आयोग के अधिकारी ने बताया कि मौके से वोटर कार्ड की फोटोकॉपी बरामद हुई है। यहां देखा जा रहा है कि क्या ये वाकई असली कार्ड है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 9,746 कार्ड मूल मतदाताओं के हैं और शेष फर्जी हैं। हालांकि अभी भी जांच चल रही है और जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।